एक पत्नी क्या कुछ कर सकती है इसका अंदाजा शायद उनके पति को नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ उन्नाव में तैनात एक सीओ के साथ, जिन्होंने बड़ी होशियारी से छुट्टी लेकर अपनी एक लेडी इंस्पेक्टर फ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया। कोई डिस्टर्ब ना करे इसके लिए सारे नंबर भी बंद कर दिए। लेकिन हुआ क्या, आखिर पत्नी की चिंता ने उनकी पोल खोल दी, वो भी सबके सामने। ये कहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सीओ कृपा शंकर कनौजिया की है, जो मूल रूप से गोरखपुर मंडल के एक जिले के रहने वाले हैं। सीओ साहब ने मंगलवार को छुट्टी लेकर अपने घर जाने की बात कही, लेकिन पहुंच गए माल रोड के पास किसी होटल में। यहाँ रूम बुक किया, नंबर बंद कर दिए, अपनी और अपनी लेडी इंस्पेक्टर की आइडेंटिटी दिखाई और छुट्टी का मजा लेने लगे। उधर पत्नी ने जब अपने पति को कॉल किए तो नंबर स्विच ऑफ मिला। चिंता में ऑफिस वालों से बात की, फिर जब छुट्टी की बात पता चली तो पत्नी को लगा उनके पति की जान खतरे में है। फिर एसपी से बात की और पति को ढूंढने के लिए कहा। फिर क्या था, अनहोनी के शक में एसपी उन्नाव ने जल्द से जल्द सर्विलांस टीम को एक्टिव किया। टीम को हैरानी तब हुई जब सीओ साहब के मोबाइल नेटवर्क कानपुर में एक होटल में आकर बंद हो गए। फिर पता चला सीओ साहब तो किसी महिला के साथ मौजूद है। अब क्योंकि दोनों बालिग थे और कोई क्राइम नहीं था तो उनसे पूछताछ कर पुलिस टीम वापस लौट आई। उधर सीओ साहब की बेशर्मी देखिए, वो उसी होटल में रुके रहे, शायद उन्हें लगा कि बात बाहर नहीं आएगी। लेकिन अब मीडिया में उनके और उनके फ्रेंड के सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गए हैं और सीओ साहब की चर्चा पूरे कानपुर में शुरू हो गई है।